हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो भाई, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं होंडा क्रेटा का आउटर सेंसर हैंडल। जो सेंसर लगा होता है हैंडल पे बाहर, जिसके बटन दबाने से गाड़ी लॉक अनलॉक होती है, कई गाड़ियों में वो काम नहीं करता। वो हैंडल पूरा ही चेंज करना पड़ता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। तो इस वीडियो में मैं वही रिपेयर कर रहा हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो मैं बना नहीं रहा था, तो मुझे पता लगा नया हैंडल तो काफ़ी कॉस्टली है। तो फिर मैंने 4 वीडियो बनाए, लोगों की हेल्प हो जाएगी अच्छी खासी इसमें। तो ये इसका वायर है, इसे निकाल लगा लेता हूँ मैं पहले, क्योंकि मैं इसे वीडियो नहीं बना रहा था ना, तो मैंने खोल दिया था सब कुछ। इसकी चाबी मैंने अपने हाथ में ले ली, क्योंकि गाड़ी के अंदर होगी तो काम नहीं करेगा ये। अभी देखें, अब ये मैं बटन पुश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर ये लाइट जल जाएगी इंडिकेटर की, बटन दबाते ही नहीं चल रहा ये। तो अभी इसके लिए सबसे पहले इसका लॉक खोलना पड़ेगा, फिर इसका हैंडल निकलेगा। ये इसका लॉक है, जिसमें कि चाबी लगती है। इसे रख देते हैं साइड में, ये कुछ इस तरीके से है। और इसका वायर निकाल लिया हमने, अंदर से कनेक्शन जा रहे हैं जो। और इसी के अंदर इसका एक एंटीना भी होता है, जो कहते हैं ना ये सेंसर वाला एंटीना है। तो मैं आज आपको सेंसर भी दिखाऊंगा इसका, कहाँ पर होता है, कैसा होता है। तो ये आ गया बाहर हैंडल। तो अभी मैं इसे टेबल पे ले आया हूँ। भाई, ये स्क्रू इसका थोड़ा सा स्पेशल है, इसके लिए थोड़ा अलग स्क्रू ड्राइवर चाहिए, जो कि मेरे पास है। आपको इजीली ये मोबाइल शॉप पे मिल जाएगा, मोबाइल के काम करने वालों पे। ये बहुत बारीक पेंच है, शायद मोबाइल में भी यूज़ होता हो, छोटा सा पेंच। तो यहाँ से खुल जाएगा, बस ये एक ही पेंच है इसे खोलने के लिए। और इसके बाद इसमें स्क्रू ड्राइवर लगा के ऊपर उठा लें ऐसे। स्लोली साइड से खींच लें। ये वो बटन है जिसे दबाने से गाड़ी लॉक अनलॉक होती है। तो इसके ऊपर का ये कवर है, ये इसे मैं इसमें ही लग देता हूँ, क्योंकि कहीं गिर गया तो और मसला हो जाएगा। अभी क्या है, ये मुझे फील नहीं आ रहा बटन दबाने में सही से, जैसे कि ये दब ही ना रहा हो। तो अभी इसे अंदर से खोल के देखते हैं अंदर क्या हाल चाल है। पता चला बटन ही डैमेज हो गया पूरी तरीके से। तो ये बटन भी अवेलेबल हो जाता है, बटन भी मिल जाता है खाली, अगर चाहिए तो। अगर डैमेज हुआ भी होगा ना तो इजीली मिल जाएगा, ये 10 रुपये का, 10-20 रुपये का, इससे ऊपर का नहीं होगा। हाँ, इसे रिपेयर करने की मेहनत ज़्यादा है, तो इसके पैसे थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। तो ये बटन है वो, इस पे थोड़ा कार्बन भी आ रहा है, साफ़ करके ऐसे देख लेता हूँ, शायद काम कर जाए। क्योंकि मैं पहले कंफर्म करना चाह रहा हूँ फॉल्ट यही है, उसके बाद मैं इसे चेंज करूँगा या जो भी करूँगा इसके साथ। क्योंकि लग तो ठीक सा रहा है। और इसका ये सेंसर है, सेंसर मतलब ये इसका एंटीना है, जो चाबी को कैच करता है आपकी, कि आप ही की चाबी इसके पास आ गई तो ये काम करे। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, इसके ऊपर लिखा है डोर एंटीना स्मार्ट की। तो ये एंटीना है, मतलब सेंसर है एक तरीके का, जो कि आपकी चाबी को डिटिकेट करता है कि आपकी चाबी ही इस घड़ी के पास आ गई तो ये बटन दबाने पे काम कर जाए। तो अभी मेरे पास जो कार्बन मुझे लग रहा था ना, मुझे साफ़ तो कर दिया। अभी मैं सोच रहा हूँ पहले एक बार इसे वहाँ लेके जाऊँ, लगाऊँ वापस इसे गाड़ी में, और फिर देखते हैं ये क्या करता है। शायद ही ऐसे ही काम कर जाए, नहीं तो फिर मैं इसे बटन को ही खोल दूँगा या इसे चेंज कर दूँगा। तो अभी मैं इसका वायर लगा लेता हूँ गाड़ी के अंदर। बाकी का तो वहीं पे है, अगर काम कर गया तो फिर फिट कर देंगे, नहीं तो रिपेयर करेंगे ही। तो ये बटन दबा रहा हूँ मैं, चल नहीं रहा है ये चल ही नहीं रहा है। तो अभी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको आपस में शॉर्ट करके देखता हूँ, क्योंकि शॉर्ट ये हो रहा है ना तो ये काम कर जाएगा, मगर इससे बात नहीं बन रही। कोई नहीं, मैं इसके लिए चिमटी ले आता हूँ। चिमटी होती है ना वो, जिससे बारीक बारीक स्क्रू पकड़ लेते हैं, उससे बात बन जाएगी। तो अभी देखते हैं चिमटी से
क्या होता है, चिमटी से इजली शॉर्ट हो जाएगा, ये हो गया। तो वही कमी इसकी यहीं पे है, फॉल्ट कन्फर्म है हमारा कि इस बटन की कमी है। सिर्फ अब हमें या तो इसे चेंज करना है या इसे क्लीन करना है, तो हमारा काम हो जाएगा। बढ़िया काम कर रहा है ये, तो इसमें काफ़ी डस्ट है, ये बस मैं क्लीन करूँगा और फिट करके फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। जल्दी से फिट कर लेता हूँ इसे क्लीन करके। तो ये इतने बारीक स्क्रू हैं इसके अंदर कि भाई मेरे से तो पकड़े नहीं जा रहे इसे, ये चिमटी से भी मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन खोलना है तो फिट तो करना ही पड़ेगा इसे। चलो निकल निकल के भाग रहे चिमटी में से, सूत्री के लग जाओ आराम से। तो भाई अभी ये हो चुका है फिट, अभी मैं इसे करता हूँ बंद और फिर लेके चलते हैं इसे गाड़ी के बाद, देखते हैं ये काम करता है या नहीं। ऐसे काम तो कर देना चाहिए, अगर काम नहीं भी किया तो मैं बटन नया बदल दूंगा, ये इजी काम हो जाएगा। तो अभी इसे दबाने में भी ना फीलिंग सी आ रही है कि हाँ बटन दब रहा है अंदर। पहले क्या था, मैं दबा रहा था तो लग भी नहीं रहा था कि बटन दब रहा है, ऐसे ही बस थोड़ा टाइट सा था। अब बटन दबाने में फील आ रहा है कि हाँ भाई दबा बटन। तो अभी इसे लेके चलते हैं गाड़ी पे और लगा के देखते हैं। तो थोड़ी वीडियो काट के बना रहा हूँ, बहुत लंबी हो गई। तो अभी बटन दबाते हैं, देखते हैं काम करेगा, कर गया। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं ये इजी बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, तो सस्ते में ही काम नहीं बढ़ेगा। हाँ इसकी लेबर शायद थोड़ी लेंगे, जो कि मैंने फुल वीडियो आपको दिखा दिया इसका। ये अगर आप चाहें तो रिपेयर भी हो सकता है, अगर आपको कॉस्टली लग रहा है तो। अगर कोई परेशानी या कोई दिक्कत आ रही है तो भाई मुझे मैसेज करें, मैं आपको जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई चैनल।